हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फोर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नंबर स्टोरीज फ्रॉम योर प्रैक्टिस वर्कशीट्स ओके आपकी जो प्रैक्टिस वर्कशीट प्रोवाइड की गई है उसकी नंबर स्टोरी में एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड दिस नंबर स्टोरीज आई आई टेकन फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स सो लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स ओके सो अवर फर्स्ट स्टोरी इज Solve the following number stories. First story: Sita wrote six math puzzle for the class. If each puzzle had 123 pieces, how many pieces are there in all? So students, आपको जो story दिया गया है, उसपे से आपको understand करना है कि द stories for multiplications, addition, subtraction और division, ok? तो वो कैसे पता चलेगा students? तो so, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सो सीता ब्रोड सिक्स मेट पजल कितनी मेट पजल लेके आई है सिक्स ओके एंड देन ईच पजल हैड वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री पीसेस और हर एक पजल में वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री पीसेस है सो हाउ मेनी पीसेज आर देर इन ऑल यानी टोटल कितने पीसेस हो गए तो क्या करना पड़ेगा वन पर्सल में ट्वेंटी थ्री तो वैसे सिक्स पर्सल में तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंडर सो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको पहले उसको अरेंज करना है ऑर्डर में नंबर स्टोरीज़ वेन एवर यू राइट द नंबर स्टोरीज फर्स्ट यू अरेंज द नंबर एंड देन यू राइट द सिक्वेंस ओके सॉरी स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट लिखना है ठीक है सो फर्स्ट यू अरेंज इन वन टेंस एंड हंड्रेड प्लेस देन यू राइट वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई सिक्स करेंगे clear write the number proper way so you can do the multiplication easily after arranging the number you have to write the stories means 123 denote by what wo kya represent kar raha hai kya denote kar raha hai so 123 kya hai number of pieces क्या है? number of pieces तो उसके सामने लिखना है. then what is six six number of math puzzles कितनी puzzles लाई थी वो? six तो so, आपको यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ मैट पजल्स नाउ वी डू द मल्टीप्लीकेशन सो सिक्स थ्रीज आर एटीन सो एट इज ईयर एंड वन इज़ कैरी ओवर राइट देन सिक्स को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स टू जर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन थर्टी सो थ्री राइट ईयर एंड वन इज कैरी ओवर नाउ सिक्स वन जिक्स को हंड्रेड प्लेस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स वन जा सिक्स देन वन कैरी ओवर नंबर को ऐड करेंगे तो सेवन सो अवर आंसर इज सेवन हंड्रेड थर्टी एट टोटल पीसेस यानी हर एक जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको उसके सामने उसका स्टेटमेंट लिखना है ओके इट्स कंपलसरी इफ यू डोंट राइट द स्टेटमेंट यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स क्लियर स्टूडेंट्स नाउ देन यू राइट द फाइनल स्टेटमेंट सो देर आर सेवन हंड्रेड थर्टी पीसेस इन ऑल यानी टोटल कितने पीसेज है सेवन हंड्रेड थर्टी थी वो आपको लास्ट स्टेटमेंट में लिखना है स्टेटमेंट आपको यहीं से मिल जाएगा कि हाउ मैनी पीसेज आर देर इन ऑल सो देर आर सेवन हंड्रेड थर्टी पीसेज इन ऑल इट्स इट इजी ऑल द स्टेटमेंट यू विल गेट फ्राम द स्टोरी ओनली ओके स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लीकेशन आता है यहाँ पे वन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है फर्स्ट यू मल्टीप्लाई विथ वंस देन यू मल्टीप्लाई विथ टेंथ एंड देन यू मल्टीप्लाई विथ द हंड्रेड इन्हें सिक्स को पहले वन से मल्टीप्लाई करना है दैन टेंथ से एंड देन हंड्रेड से और कैरी ओवर नंबर को एड करते जाना है क्लियर स्टूडेंट्स सो लेस सी द सेकेंड स्टोरीज

और उसका लेंथ क्या है रेक्टेंगल पार्क का फिफ्टीन मीटर सो जो लॉन्गर साइड है हम यहाँ पे लिखे गए फिफ्टीन मीटर एंड द ब्रेड किया है एट मीटर सो विथ होता है ब्रेड दैट इज साइड वहाँ पे लिखना है एट मीटर ओनली टू मेजरमेंट्स गिवन सो रेक्टें रेक्टेंगल पार्क की रेक्टेंगल की फोर साइड होती है तो मैंने जैसे आपको आगे सिखाया था कि रेक्टेंगल अपोजिट साइड सारिकवल दस में दिस फिफ्टीन मीटर सो ये उसकी अपोजिट साइड है तो वो भी फिफ्टीन मीटर हो जाएगी दिस एट मीटर तो इसके अपोजिट साइड ये है तो ये भी एट मीटर हो जाएगा मीन्स वी गेट द मेजरमेंट ऑफ ऑल द साइज वाई वी नीड द मेजरमेंट ऑफ ऑल द साइज बिकॉज राहुल रंस अराउंड द रेक्टेंगल पार्ट डैट मीन्स यर वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर हमें यहाँ पे पैरीमीटर फाइंग करना है वो उसके आस पास रनिंग करा है डैट मीन्स अगर वो पैरीमीटर फाइंग करेंगे तो पता चलेगा ना हाउ मिन मीटर डिस्टेंस ही कवर कितने मीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम वी नीट ऑल द साइड्स मेजरमेंट सो नाउ वी गॉट इट सो नाउ राइट द पेरीटर सो पैरीमीटर इज इक्वल टू डू द एडिशन ऑफ ऑल द फोर साइड्स फिफ्टीन मीटर प्लस एट मीटर प्लस फिफ्टीन मीटर प्लस एट मीटर सो वॉट आंसर विल कम इनका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा फोर्टी सिक्स मीटर ओके स्टूडेंट्स ये जो फोर्टी सिक्स मीटर है वो वन राउंड कंप्लीट करने पर मिल रहा है राहुल टेक्स वन राउंड अराउंड दिज रेक्टेंगल पार्क सो डिस्टेंस कवर्ड ओनली फोर्टी सिक्स मीटर बट वॉट अवर क्वेश्चन इफ ही रन अराउंड द पार्क फाइव टाइम्स एवरी डे वो पूरे दिन में फाइव टाइम्स रन करता है सो फाइंड द डिस्टेंस ही रन एवरी डे तो डी टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है डेली ओके सो हम क्या लिखेंगे राहुल रन्स एवरी डे इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाई क्या कर देंगे फाइव वन टाइम में अगर फोर्टी सिक्स होता है तो अगर वो ऐसे फाइव कर देगी वी गेट द फाइव टाइम्स डिस्टेंस तो फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाईफाई करेगी वी गेट द आंसर टू हंड्रेड एंड थर्टी मीटर एंड दूस ध्यान से स्टोरी पढ़ना है देन यू हैव टू सॉल्व इट नाउ लेट्स सी द थर्ड वन सो थर्ड एग्जाम्पल इज अ सर्टीन बिल्डिंग इज़ टू मीटर फोर्टी फाइव सेंटीमीटर हाई यानी एक बिल्डिंग की जो हाइट है वो टू मीटर फोर्टी फाइव सेंटीमीटर हाईट है उसकी एंड द बिल्डिंग नेक्स्ट टू इट इज़ फाइव मीटर थर्टी सिक्स सेंटीमीटर हाई यानी ये जो बिल्डिंग है उसके बाजू वाली बिल्डिंग की हाइट फाइव मीटर थर्टी सिक्स सेंटीमीटर है बाई हाउ मच इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग शॉर्टर दैन द सेकेंड तो आपको ये फाइन करना है कि फर्स्ट बिल्डिंग सेकेंड वाले बिल्डिंग से कितना छोटा है यानी ये जो बिल्डिंग है वो फर्स्ट है ओके okay? और उसके नेक्स्ट यानी वो सेकेंड हुई यानी ये वाला बिल्डिंग फर्स्ट वाला बिल्डिंग ये सेकेंड वाले बिल्डिंग से कितना छोटा है वो फाइन करना है सो हाउ वॉट कैन यू डू हियर एडिशन करोगे नो no, हमें टोटल फाइन नहीं करना है मल्टीप्लाई करोगे नो सो व्हाट हैज़ टू डू यर सबट्रैक्शंस कोई भी चीज शॉर्टर हो या लॉन्गर हो मोर हो या लेस हो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंपेरिजन में ओके मोर देन दिस लेस देन दिस कंपेरिजन की बात हो रही हो डेट टाइम यू हैव टू फाइंड अ डिफरेंस दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है ठीक है सब्ट्रैक्शन हियर द मीटर एंड सेंटीमीटर गिवेन यूनिट्स सो ऊपर पहले आपको लिखना है एम और सी एम देन यू अरेंज द नंबर सो फर्स्ट बिगर नंबर विल कम वैन एवर यू डू द सब्ट्रैक्शन बिगर नंबर पहले आएगा सो फाइव मीटर थर्टी सिक्स सेंटीमीटर लिखना है मीटर वाली साइड पर फाइव और सेंटीमीटर वाली साइड पर थर्टी सिक्स राइट सो वो दैन माइनस सब्ट्रैक्शन करना है आप वो समझ में आ गया देन टू मीटर फोर्टी फाइव सेंटीमीटर सो मीटर वाली साइड पर टू एंड सेंटीमीटर वाली साइड पर फोर्टी फाइव ओके

नो सो यू हैव टू टेक द बोरोइंग सो स्टूडेंट समाइम्स आप क्या करते हो यहाँ से कट कर लेते हो बट यू आर नॉट सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम हेयर अगर बा नेक्स्ट नंबर में से हम लेंगे तो वो भी कम होगा ना सो दिस ऑल्सो विल बी कट करेंगे टू दिस विल भी फोर दिस मिस्टेक्स यू आर डूइंग सो टेक केयर ऑफ डिस अगर आप बोरो करते हो सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्राम हेयर ऑल्सो एंड लेस वन नंबर तो ये फोर हो जाएगा एंड दिस नंबर थ्री है तो इस बिकम थर्टीन हो जाएगा क्लियर आप बाजू में भी वन लगा के थर्टीन लिख सकते हो नाउ थर्टीन माइनस फोर करेंगे तो नाइन कम, देन फोर माइनस टू इज़ टू सो आंसर इज़ टू मीटर नाइन्टी वन सेंटीमीटर। सो फर्स्ट बिल्डिंग इज़ टू मीटर नाइन्टी वन सेंटीमीटर शॉर्टर देन द सेकेंड बिल्डिंग समझ में आ गया यानी ये जो डिफरेंस आया है यानी फर्स्ट बिल्डिंग इतना छोटा है सेकेंड बिल्डिंग से हाइट वाइज स्टूडेंट ईजी है ना सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सम स्टोरी समको जब मिक्स होते हैं आइडेंटिफाई करना है कि प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है या डिवाइड है सो थिंक एंड देन डू इट लेट्स इ द नेक्स्ट वन अब फोर्थ सम इज डेट देर आर एट हंड्रेड एनिमल्स इन अ जू कितने एनिमल्स है एट हंड्रेड थ्री फोर्थ ऑफ एनिमल्स आर मंकी उसमें से कितने मंकी है थ्री फोर्थ यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है राइट right? और एट हंड्रेड इज़ अ होल नंबर हाउ मैनी मंकीज़ आर धैर तो अब कितने यानी हमें फ्रैक्शन दिया गया है थ्री फोर्थ मंकीज़ यानी थ्री फोर्थ यानी कितने मंकीज़ हो गए यानी हमें नंबर ऑफ मंकीज़ फैंक करने हैं हाउ मैनी मंकीज़ आर धैर यानी मंकी कितने हैं वो फैंक करना है ठीक है टोटल एनिमल्स कितने हैं एट हंड्रेड यानी दैट इज़ अ होल नंबर हम जैसे एक सर्कल लेते हैं ना वो सर्कल एक होता है वैसे एट हंड्रेड एनिमल्स है उसमें से थ्री फोर्थ मंकी है तो मंकी का फ्रैक्शन थ्री फोर्ट है तो मंकी का नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम थ्री फोर्थ ऑफ एट हंड्रेड करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग किया है ना आपने तो थ्री फोर्ट ऑफ एट हंड्रेड करेंगे सो व्हाट आंसर विल कम अगेन यू हैव टू राइट इज इक्वल टू थ्री फोर्थ ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड देन राइट एट हंड्रेड ओके इफ द नंबर ओनली एट हंड्रेड इज गिवन दैट दैट मीन्स इट नंबर इज अ न्यूमरेटर ओके वो नंबर ऊपर ही है डिनोमिनेटर में वन है इट्स नो नीड टू राइट इट नाउ एट हंड्रेड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिलेशन इज डिविशंस तो आपको एट हंड्रेड डिवाइड बाई फोर करोगे सो योर आंसर विलकम टू हंड्रेड राइट फोर टूज आए देन देन टू जीरो टू हंड्रेड विल कम दैन न्यूमरेटर ओनली लेफ सो थ्री मल्टीप्लाई टू हंड्रेड सो थ्री मल्टीप्लाई टू हंड्रेड करेगे वॉट आंसर विलकम सिक्स हंड्रेड सो वी गेट द नंबर्स कितने मंकीज़ है सिक्स हंड्रेड समझ में आ गया सो देर आर सिक्स हंड्रेड मंकीज़ इन अ सो जू में कितने मंकीज़ है सिक्स हंड्रेड तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थ्री फोर है डेट इज़ द फ्रैक्शन सो फ्रैक्शन दिया गया है तो हमें तो ऐसे लिख के नंबर्स फाइंड करना है यानी एट हंड्रेड में से ज़ू में सिक्स हंड्रेड मंकीज़ है क्लियर स्टूडेंट्स आपको जो भी फ्रैक्शन है वो लिख के आपको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो यू गेट अ आंसर क्लियर इज इट ओके सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स

सो हेयर ओनली द नंबर इज गिवन फिफ्टी हंड्रेड वन हंड्रेड फिफ्टी एंड टू हंड्रेड दिस अदर्स नंबर हैज़ टू राइट बाई ओन बट हीयर नंबर टावर हैज़ टू कम्प्लीट बाई एडिशन एडिशन से कम्प्लीट करना है तो हाउ केन यू डू इट स्टूडेंट्स क्या करना है आपको ये फिफ्टी और हंड्रेड है उन दोनों का एडिशन्स करेंगे वी कैट दिस बॉक्स नंबर यानी फिफ्टी प्लस हंड्रेड करोगे आपको आंसर मिलेगा वन हंड्रेड फिफ्टी डेट हैज़ टू राइट हीयर समझ में आ रहा है नाउ अगेन फॉर गेटिंग दिस नंबर आंसर यहाँ पे जो आंसर है वो कैसे फाइन करना है हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी करोगे यू गैट द आंसर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ओके नाव देन वन हंड्रेड फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड करोगे यू गैट द आंसर थ्री हंड्रेड फिफ्टी समझ में आ गया गैट दिस आंसर ऑन दिस लाइन ना वी गो टू द नेक्स्ट लाइन अब ये दो आंसर कैसे फाइन करोगे ना यू एट दिस टू नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड फिफ्टी करेगी वॉट आंसर विल कम स्टूडेंट्स फोर हंड्रेड डायरेक्टली समझ में नहीं आता यू अरेंज इन वर्टिकली एंड देन यू फाइंड द आंसर्स नाउ टू हंड्रेड फिफ्टी प्लस थ्री हंड्रेड फिफ्टी करेगी वॉट आंसर वेलकम स्टूडेंट सिक्स हंड्रेड गेट इट ओके नाउ फॉर दिस फाइनल आंसर नाउ इन दोनों का एडिशन करेंगे वी गेट दिस आंसर सो फोर हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड वी गेट द आंसर्स थाउजेंडस अंडर्स स्टूडेंट्स समझ में आ गया हाउ टू कंप्लीट द नंबर टावर बाई एडिशंस सो इट इज इट इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड द आंसर अगर आपको डायरेक्टली नहीं आंसर आते हैं कैलकुलेट करना सो यू कैन अरेंज इन वर्टिकली एंड देन यू हैव टू डू इट ओके स्टूडेंट्स ईजी है ना सो so आप इन दोनों का एडिशन करो ऊपर वाला बॉक्स मिल जाएगा धैन यू ऐट दिस टू नंबर यू गैट डबो बॉक्स धैन डिस ऐट नंबर यू गैट डबो बॉक्स द सेम वे ये दोनों का एडिशन आपको ये मिल जाएगा इन दोनों का एडिशन करो कि ऊपर वाला मिल जाएगा और ये दोनों का एडिशन करोगे यू गेट द फाइनल आंसर अगर स्टूडेंट्स आप एक भी जगह पे एडिशंस करने में मिस्टेक करते हो सो योर होल आंसर विल बी रॉन्ग ओके अगर आपने यहाँ पे आंसर रॉन्ग किया है तो आगे सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे ठीक है सो टेक केयर डू द एडिशंस प्रॉपरली एंड डू इट ऑल्सो प्रॉपरली अंडरस्ट स्टूडेंट्स सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड विच आई एक्सप्लेन यू